बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव रेमल चक्रवात में तब्दील हो चुका है। इसका असर पश्चिम बंगाल और उसके पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ेगा। झारखंड में भी रेमल का असर देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरे झारखंड में इसका असर नहीं रहेगा। रेमल का असर झारखंड के उन इलाकों में दिखेगा जो पश्चिम बंगाल से सटे हैं। संताल के प्रगना और कोल्हान में इसका असर सबसे ज्यादा देखा जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि प्लामू प्रमंडल को छोड़कर झारखंड के अन्य हिस्सों में रेमल चक्रवात का असर देखा जाएगा। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 26 मई को कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावन जिलों के अलावा राजधानी रांची, उससे सटे खूंटी, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साथ ही राजधानी रांची का अधिकतम तापमान शनिवार को 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। यहां का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। गढ़वा, गोंडा, पलामू, सरायकेला जिले का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहा। शेष जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे रहा। साथ ही आपको बता दें कि रेमल चक्रवात के समुद्री तट से टकराने के बाद तेज हवाएं चलने और भारी बारिश का अनुमान है, इसलिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है। दमदम स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रविवार दोपहर से 21 घंटे के लिए उड़ानों का परिचालन निलंबित किया गया है। इसके अलावा बिहार में एक बार फिर चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिलेगा। दरअसल बंगाल की खाड़ी में उठा रेमल तूफान रविवार की रात बांग्लादेश के तटीय इलाके से टकराएगा, जिसका असर राज्य पर भी पड़ने वाला है। साथ ही नॉर्थ उड़ीसा के तटीय जिलों बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा में भी आज और कल भारी बारिश की आशंका है। वहीं मयूरभंज में 27 मई को तेज बारिश हो सकती है। कोलकाता हावड़ा, नादिया और पूर्वा मेदिनीपुर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यहां भी आज और कल भारी बारिश की संभावना है। वीडियो डेस्क amarujala.com। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर amarujala.com।